जिला विकास परिषद DDC के चुनाव संपन्न होने के एक महीने बाद से अधिक समय बाद जम्मू पहुंची पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के साथ जम्मू में एक बैठक कर भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। वो करीब एक सप्ताह तक जम्मू में ही रहेंगी। उन्होंने बैठक में मौजूदा हालात में पार्टी के उद्देश्यों को लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाए इस पर विचार विमर्श किया। यूटी जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी के बाद एक बार फिर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सुधार की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 और 3 फरवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कश्मीर घाटी व लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां भारी बर्फबारी होगी, वहीं जम्मू के निचले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। करप्पा परेड ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग राज्यों की ओर से परेड निकाली गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान परेड का निरीक्षण किया और कई कैडेट्स को सम्मानित किया। जम्मू में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का JMC में हैंडओवर टेकओवर हो गया है। इससे हर वार्डो में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीमों को लागू करने में आसानी होगी और जनता को केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा लाई गई स्कीमों का फायदा पहुंचेगा। कश्मीर घाटी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बन गया है, जिसे गुलमर्ग के कोलाहोई ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने शुरू किया। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एक नया अनुभव देने के लिए इस इग्लू का निर्माण किया। इग्लू आमतौर पर फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे देशों में पाए जाते हैं। इस इग्लू कैफे के अंदर टेबल और बेंच बर्फ से बनी है। इग्लू 22 फीट चौड़ा और 12.5 फीट ऊंचा है। ये एक समय पर 16 व्यक्तियों को रख सकता है। जब आप एक टेबल बुक कर लें, तो एपिटाइजर मेनू में ऑर्डर करें कावा, मटन या चिकन टिक्का और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना। जम्मू के अखनूर कस्बे के चौकी चौरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर CMO डॉक्टर JP सिंह, BMO रितेश खुल्लर, SDM चौकी चौरा चंद किशोर, डॉक्टर गुरमीत कौर मौजूद थे। वहीं CMO डॉक्टर JP सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज टीकाकरण का शुभारंभ किया गया और मेडिकल डिपार्टमेंट के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है। 157 वॉरियर्स इसमें शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि टीके से डरने की जरूरत नहीं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ही टीका तैयार किया गया है। जल्द से जल्द अब आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। जम्मू में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान में महत्वपूर्ण दिन है। वहीं एक सवाल के जवाब में कि लाल किले पर दूसरा झंडा चलाने पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कृषि कानून बनाते समय भी किसानों से पूछा तक नहीं गया। जिसने लाल किले पर झंडा चढ़ाया वो भी BJP का ही कार्यकर्ता है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित और देश के हित में तुरंत वापस लेना चाहिए। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में RET एम्पैनल्ड अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने 2010 में RET शिक्षकों के लिए आवेदन किया था। उसके बाद हमें इन पोस्टों के लिए चुना गया, लेकिन कुछ कारणों के कारण शिक्षा विभाग ने हमें इसमें शामिल नहीं होने दिया। कोर्ट ने भी RET उम्मीदवारों के पक्ष में शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश दिए, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग ने हमें नजरअंदाज किया हुआ है। इन लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने में वो हस्तक्षेप करें। जिला डोडा के DC डॉक्टर सागर डी राइफोड ने ATMA योजना के तहत गोविंदपुर जिला रामबन में बागवानी विकास के लिए अग्रिम केंद्र के लिए 60 किसानों के एक समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों के साथ बातचीत करते हुए DC ने कहा कि एक्सपोजर यात्रा का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने किसानों से अपनी कृषि आय को दोगुना करने के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों को सीखने और अपनाने की अपील की। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के लारवलपुरा गांव के स्थानीय लोगों ने सड़क की खस्ता हालत और मरम्मत नहीं होने के चलते प्रशासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। जिला प्रशासन के अधिकारियों पर
सड़क की खस्ता हालत को नजरअंदाज करने का उन्होंने आरोप लगाया। वहीं उन्होंने डीसी बांदीपुरा डॉक्टर ओविस अहमद से व्यक्तिगत रूप से इस पे हस्तक्षेप करने की मांग रखी। जम्मू में पीओजे के डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रंट ने पीओके से आए लोगों को मुआवजा देने पर हो रही देरी पर रोष प्रकट करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इन्हें 5.5 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की थी। उनकी सभी फाइलें भी पूरी हैं और मंजूर भी हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से वो मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं जो अब तक नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके मुआवजे की राशि जल्द से जल्द जारी की जाए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान काफी हिंसा हुई। कई स्थानों पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस के साथ झड़प हुई। अब इसका असर किसान आंदोलन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किसान आंदोलन के खिलाफ गांव वाले सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने मांग की है कि तुरंत राजमार्ग को खाली किया जाए।